राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आपको बता दें कि शहर में तमाम विविध कार्यक्रम हुए। इस विविध कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि सामाजिक जो संस्थाएं थी उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इस बढ़ चढ़ के हिस्से में आपको बता दें कि तमाम जो अपनी गतिविधियां थी उनसे उन्होंने साझा किया। ये दृश्य और नज़ारा फिलहाल कन्वेंशन सेंटर लखनऊ का है, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जो संस्था ने अपनी तमाम जो गतिविधियाँ भी गिनाई, तमाम जो कार्य किए वो भी गिनाए, और खासतौर से बता दें कि जो चश्मा वितरण भी किया गया खास इस मौके पर, इसको लेकर तमाम जो गणमान्य व्यक्ति थे वो मौजूद थे। महेंद्र सिंह जो मंत्री पूर्व रहे हैं वो भी मौजूद थे समाजवादी पार्टी के। इसके साथ जो दिव्या गृति महान थी वो भी मौजूद थी। इसके मौके पर आपको बताते हैं कि सहभागिता के साथ में लोगों ने अपने तमाम जो गणमान्य व्यक्ति आए थे उन्होंने अपने अपने विचार भी रखे। मेरा नाम वफा अब्बास है, एक अंबर फाउंडेशन नाम से छोटी संस्था है, वो चलाते हैं हम लोग। और देखिए, अंबर फाउंडेशन का टारगेट है कि जिन लोगों की आँखों की प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से उनकी आमदनी घट गई है, रोज़मर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं, उनका वर्किंग आवर्स कम हो गए हैं, उनको चश्मा दे के और उनके वर्किंग आवर्स को वो बढ़ा सकें और जो भी काम वो करते हैं उसमें थोड़ा सा उनका टाइमिंग बढ़े ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा से काम हो रहा है और 25,000 लोगों को हम लोग चश्मा देने का टारगेट है। आज का हम लोग का मिला के चरण 10,245 चश्मे बढ़ चुके हैं आज, और करीब 11,500 टेस्टिंग हुई, 11,500 से 12,000 के आसपास। और हम लोग का टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 25,000 का टारगेट हम लोग पूरा कर लें। अच्छा, क्या सोच रही थी कि आज के दिन ये कार्यक्रम? देखिए, आज के दिन का तो सबसे बड़ी सोच ये थी कि आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती भी है और चश्मा उनकी पहचान है, तो चश्मा बांटने के लिए आज से बेहतर दिन तो नहीं हो सकता था। और हर एक को कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, तो हमारे राष्ट्रपिता को शायद जब साउथ अफ्रीका में ट्रेन से उतारा गया था तो उनको प्रेरणा मिली थी, और उसी प्रेरणा से उन्होंने अंग्रेज़ों की गाड़ी को जो है हिंदुस्तान की पटरी से उतार के फेंक दिया। तो उसी सिलसिले में मुझे लगा कि आज हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करें ताकि लोगों को मिलने का मौका मिले। सभी धर्मों के लोग आए, हमारे धर्मगुरु भी आए यहाँ पर, और उसकी वजह से हम लोग काफ़ी हौसला मिला है और आगे इससे बेहतर काम करने की कोशिश की जाएगी। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब थे, वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं पहले और वर्तमान विधान परिषद सदस्य हैं। इसके अलावा मनकामेश्वर पीठ से वहाँ की महंत श्री दिव्या गिरी जी थी, हमारे लखनऊ की प्रथम महिला मेयर हमारे सुषमा खरकवाल जी थी। इसके अलावा वरिष्ठ समाज सेवी निखिलेश सिंह जी, बिलाल नूरानी साहब, मौलाना रजा हुसैन साहब और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। चश्मा वितरण में क्या कुछ कहना चाहती हैं? वफा जी ने जो कार्यक्रम किया है अंबर फाउंडेशन की तरफ से, बहुत अच्छा लगा। ये मेरा दूसरा कार्यक्रम है। इस बच्चे ने ना कोई धर्म देखा, ना कोई जात देखी, कुछ नहीं, और जिस तरीके से बच्चा मेहनत कर रहा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी लंबी उम्र हो और इस तरीके से जो श्रवण कुमार बन करके कार्य कर रहा है, ये आगे भी इस तरीके से कार्य करता रहे। ये मैं राजनीतिक भाषा नहीं है वाक्य में, सही में बहुत अच्छा लड़का है। आज आज महात्मा गांधी की जयंती भी है, तो उसके विषय में क्या कहना? आज हमारे देश के दो बहुत महान महापुरुषों का जन्मदिन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। राष्ट्रपिता ने एक नारा दिया था, करो या मरो, और प्रधानमंत्री जी नारा दिया था जय जवान जय किसान। उन्हीं के नारों पे आज हमारे मोदी जी योगी जी चल रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से आज भारत देश में इस तरीके से काम हो रहा है। बहुत बहुत